हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं फिर से एक ट्यूशन ब्लॉग बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग सब आ गए हैं। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। चलो सबका क्या क्या सब्जेक्ट है सब निकालो अपना अपना। यहाँ दिखाना बच्चे लोग थोड़ा, मेरा तो काफी देर है, इस तरह करो, सबका आना चाहिए यहाँ टीचर। ये किसका था कॉपी? ये किसका है? ये सेवन उल्टा क्यों लिखा है? सेवन को सीधा लिखो बोला था हम। हाँ, सेवन गलती किसने से मारी गया देखो। ये है ना, ये तुमको इसमें लिखने बोला था सही को, ठीक है? तुम इसमें करोगे खेली मत करो, रुको, छोटा लोगों पहले होने दो, फिर बड़ा लोगों बुलाएगा। मानवी दास है ना, तुम अपना नाम बता दो, अपना नाम बताओ। वो तो मानवी दास बता दिया अपना नाम। लीजा माला है। अच्छा, और सब अपना अपना बात करो, चुटकू चुटकू वाला। चलो ये किसका है? तुम्हारा। चलो लिखो, चलिए लिखो, ये तुम्हारा है ना, मानवी का है ना। मैं खिलाऊ टेबल को, मानवी हम कल जैसे सिखाए तो वैसे लिखना लाइन में, ठीक है? तुम यहीं पे खड़ा होके थोड़ा टाइम लिखो क्योंकि तुम वहां जाने से नहीं सकेगा। चलो लिखो, कर लो ना, हम तो 30 का स्पेलिंग याद करना है। 31 का तो क्या याद करना है, O-N-E-1-T-W-2 लिखना है, सिर्फ 30 का स्पेलिंग याद करो। हाँ चलो, यहाँ पे खड़ा होकर लिखो, लेके पेंसिल लेके आओ। लीजा हो गया, अरे 1 के बाद 2 होता है ना, लीजा पूरा गलती लिखा है। हाँ क्या होता है 1 के बाद, क्या आता है इसका जैसे लिखो, इसका जैसा, ये जैसे लिखा है 1 के बाद क्या आता है, 2 लिखो यहाँ पे, जाओ फिर से करो, गलती लिखा है तुम्हारा। देखो कल हम लोग क्या है, सब्ट्रैक्शन किया था ना, वो ले लिया, सब्ट्रैक्शन में था ना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, क्या करना है बताओ, सब्ट्रैक्शन। हाँ सब्ट्रैक्शन किया था, शेप ऑफ द पैटर्न, शेप ऑफ द पैटर्न करवा, ठीक है? चलो क्या है तुम्हारा, शेप ऑफ द पैटर्न, लिखो लिखो लिखो। हाँ ठीक लिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, इसमें लिखो बी, लिखो बड़ा बड़ा करके लिखो। चलो ये तुम्हारा है ना। हाँ चलो, ये जनरल फिर भी पढ़े करो, ये भी सब आएगा ना। मन कर रहा है, आज कौन नहीं आया, वो सिर्फ पानी मेघा नहीं आया ना। कितना तक स्प्रिंग याद है? तीन तक ही है। कौन लिया? 11, 12, मत खिलाना, दिशा है, मत लो। देखो अच्छे से करो, सबका आने दो ना। रखो रखो, लीजा का रखो। हाँ लो, ये रो, यहाँ तक निकल लाओ इसलिए, अच्छा से नीट एंड क्लीन। हाँ और एग्जाम जिसका है सब आ जाओ, तुम्हारा एग्जाम क्या है, सब है मैक्सी है ना, जब इंटर करवा दो, ठीक है? 63 4 0 तुम्हारा देखो, ये लोग देने के बाद तुम लोग दोनों का आराम से बैठा आएगा। तुम हिंदी लाए ना, हिंदी का फर्स्ट में पॉइंट पहले देखो, अच्छा से ऊँट चला मैं चला, अच्छा से रीडिंग करने सीखो, और फिर यहाँ तक पहले रीडिंग करके आओ, उसके बाद स्क्रीन फिर अच्छे से देखो। तुम देखो चुचू, सब अपना अपना करो, क्यों इतना भीड़ भाड़ लगाए, अपना अपना जगह में जाओ।
हम लोग क्या क्या कौन सा मैच करना था देखो यहाँ पे रुको बता ये तो तुमने अपना से कर लिया इसको करना था ना चलो इसको हाँ देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है थोड़ा सामने आना है गम्मा सभी थोड़ा सुनाना पड़ेगा ए पिलर इज मेड यूजिंग 2000 ब्रिक्स एक पिलर में कितना ब्रिक्स था इफ द हाइट ऑफ द ईच ब्रिक्स इज 10 सेंटीमीटर उसका हाइट कितना था देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर उसके बाद उसका पिलर का हाइट कितना होगा पूछा गया कहाँ है तुम्हारा कॉपी का है ये ना मैथ्स कॉपी तो इसमें क्या करना है तुमको द हाइट ऑफ द पिलर द हाइट ऑफ द पिलर कितना है इक्वल टू 2000 ठीक है 2000 इंटू 10 सेंटीमीटर उसको इंटू करके यहाँ पे लिखो ठीक है दोनों ऐसे लिखो ऐसा लिखना भी पड़ेगा ठीक है ये क्वेश्चन का ऐसा लिखना पड़ेगा आंसर में ठीक है द हाइट ऑफ द पिलर 2000 इंटू 10 सेंटीमीटर ये दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखो जितना आंसर आएगा वही सेंटीमीटर में ठीक है जब फास्ट वाला करो जल्दी कल तो सीखा था फिर भी अच्छे से कर लो ठीक है एक बार जल्दी स्पीड करना बहुत सारा अभी मैथ सिखाना है अरे रूही लिख रही है देखो ये चंद्रबिंद इसको क्या बोलते हैं हिंदी में चंद्रबिंद ठीक है च ल में आ की मात्रा ये क्या है मात्रा है तो सिखाया था तुम लोग हाँ ये क्या आ की मात्रा है ना आ से आम जो होता है उसका मात्रा है ठीक है च ल में आ की मात्रा ला चला भाई ऊट चला इसमें भी आ की मात्रा है ये सब देखो और ये क्या है ई की मात्रा है ना इस तरफ से जो होता है क्या होता है ई की मात्रा हाँ तो इसको याद करना ई की मात्रा ये ऊ की मात्रा ठीक है ये चंद्रबिंद है ये आ की मात्रा जब ये सब थोड़ा देखिए हम पूछेगा कौन सा चंद्रबिंद है कौन सा ई की मात्रा कौन सा ऊ की मात्रा कौन सा आ की मात्रा ठीक है इसको सीखने से हिंदी तुम अच्छे से पार्ट कर सकते हो अरे कौन कौन बात कर 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 इधर आओ लीजा इधर आओ 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से लिखो यहीं पे 1 के बाद 2 होता है 2 लिखो यहाँ पे खड़ा होकर लिखो बड़ा बड़ा सा हो गया मैं किताब लाना
सेकंड का सिखाएगा। लाओ फटाफट, हाँ सुनो यहाँ पे, तुम भी आ जाओ सुनने के लिए। एक एक करके नहीं सिखाएगा। कीप द हाइट ऑफ क्या ये चिमनी 70 मीटर। चिमनी का कितना हाइट था? 70 मीटर। एंड द हाइट ऑफ 100 ब्रिक्स, उसका कितना हाइट ऑफ 100 ब्रिक्स था, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ 100 ब्रिक्स इज 2 मीटर, ठीक है। 100 ब्रिक्स से 2 मीटर उसका वो था, लंबा था। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक यूजिंग, उसमें कितना यूज हुआ मीटर जो उसका पूछा गया, उसको क्या करना है। 2 मीटर हाइट नीडेड 100 ब्रिक्स, 2 मीटर हाइट नीडेड, हाँ 2 मीटर हाइट नीडेड कितना है 100 ब्रिक्स, ठीक है ये बोला। उसके बाद ऐसे देयरफॉर देके 100/2 करना है, ठीक है। 100/2 को काटना है इंटू 70, ऐसे लिखने कम करके दिखा रहे हैं। देखो उसको क्या करना है, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन भी लिखो ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या करना है, 2 मीटर हाइट नीडेड इक्वल टू 100 ब्रिक्स, कितना ब्रिक्स था, हाँ तो ये देयरफॉर हो गया, ऐसे ऐसा करके रख दो, ठीक है। तो इसका कितना है 100/2 कितना था, 2 है ना, 2 ब्रिक्स ब्रिक्स होगा। उसके बाद 70 मीटर कितना था, 70 मीटर था ना, 70 मीटर ये एयरपोर्ट जैसा, ठीक। 100/2 × 70 इसको क्या काटना है, 2 × 2 देखो सुनो यहाँ पे, 2 × 2 2 × 5 = 10 2 × 0 = 0 कितना निकला है, 50 निकल रहा है ना, 50 और 70 हो रहा है ना, ये दोनों को हम लोग क्या करेगा बताओ, 50 इंटू हाँ प्लस कर, तुमको इंटू करेगा थप्पड़ देगा अभी, ये दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखो कितना आ रहा है 50। तुम भी अपना कॉपी में ऐसे लिखो, जल्दी जाओ ये ले जाओ, तुम्हारा लिखा हो गया, चलो ठीक है। अभी क्या लिखेगा, 11 के बाद क्या आता है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लिखो, 11 के बाद 12 1 2 12 लिखो, चलो पढ़ के सुनाओ। इसको क्या बोलते हैं, चंद्रबीन, हाँ इसको इसको क्या बोलेगा, आ की मात्रा, आ बोलेगा, आ की मात्रा, हाँ इसको क्या बोलेगा, हाँ इसको ई की मात्रा, इसको ऊ की मात्रा, हाँ इसको चंद्रबीन, इसको आ की मात्रा, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा अच्छे से यहाँ तक देखो, उसका फिर हमको पूरा स्पेलिंग लिख के दिखाओ, ठीक है। हो गया रूही, हो गया तुम्हारा, लाओ लिख के बॉक्स के अंदर लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ लिखो, तुम्हारा हो गया। 12 लिखो, 1 to 12, 1 लिखे 2 लिखो, ठीक है। रोशन, रोशन लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, 12 बोलो। 13 के बाद क्या आता है, 14, 1 4 14 लिखो, 4 लिखो यहाँ पे, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, क्या लिख रहा है पीछे, 4 लिखो, हाँ ठीक है लिखो, ये बॉक्स के अंदर लिखो, 4 लिखो, अच्छा ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करो, हाँ थोड़ा होंगे जल्दी, थोड़ी जल्दी करो, पीछे कर लिया, समझ में आ रहा है या नहीं, आए ना इसको एक दिन आने से ऐसे करना, ठीक है देख लो अच्छा से। क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा इस तरफ जाओ, ऐसा नहीं इस तरफ से आओ, इस तरफ से थोड़ा क्लियर आता है, अभी लिख के दिखाओ, ठीक है। मात्राएं तो सक गया, चंद्रबिंद भी सक गया, कहाँ कहाँ लिखना है एक बार लिख के हमको दिखाओ, तो देखिएगा तुम्हारा हिंदी सही हो रहा है या नहीं हो रहा, चलो लिख के दिखाओ, देखिएगा कैसा हो रहा है। 19 का बाद 2 × 0 = 20 होगा, 17 का बाद 18 होगा, ये गलती लिखा है, देखिएगा बीजा, 13 का बाद 14, 14 का बाद 15, चलो ये सब गलती लिखा, 15 का बाद क्या आता है, 16 लिखो, 16 16 1 लिखे 6 लिखो, 1 लिखो, हाँ 6 लिखो, ऐसा वाला 6, हाँ 1 7 17 1 8 18 लिखो, 1 लिखे 18 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 लिखो, 2 0 20 समझ में आया, ऐसे लिखो, ठीक है। और भी लिखो, लो लिखो, अरे जंपिंग कर लेंगे भैया, माया हो जल्दी मारी ना, चलो हो गया तुम्हारा, हाँ तुम्हारा हो गया, लिखा लिखा, अरे तुम दोनों दोस्त है ना, अलग अलग बैठा अभी, क्या बात कर रहे हो तुम दोस्त के साथ, क्या बात कर रहा है, ये तुम्हारा दोस्त है, हाँ क्या बात कर रहे हो बताओ, स्कूल में दोस्ती करो, ट्यूशन में नहीं, कहाँ में दोस्ती करेगा,
स्कूल में ट्यूशन में करेगा तो माता पिता देगा। वो दोस्ती हो गई, इतना प्यार से बात कर रहा है, बाकी दिन तो नींद आता था, अब वो आ गया तो नींद गायब हो गई उसका। उसके नींद गायब हो गया फिर दिसाई का नींद नहीं आ रहा ना दिसाई नहीं बोल हो गया जी सही का हाथ में मारे सेवन को मैं से बोला था ना लिखने के।